ये है कि सरकार की प्रायोरिटी में इस देश के गरीब किसान मजदूर और जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं वो उनकी प्रायोरिटी में शामिल ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि मौजूदा सरकार के लिए, मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए दोस्त ही देश है। उनको लगता है कि उनके जो दोस्त हैं वही देश हैं, उनकी सेवा करना ही देश की सेवा है। और देश के जो संस्थान हैं, देश की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, औने पौने दाम में वो उनके हाथ पिछले में साल सौंप दे रहे हैं। लॉकडाउन के चलते बड़े पैमाने पे मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन सरकार ने इस बात को बिल्कुल अटेंशन नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि जब चुनाव होंगे तो यही मजदूर जो हैं वो मजदूर के नाम पर नहीं बल्कि जाति और धर्म के नाम पर वोट करेंगे। ये जो उनका जिसके चलते कॉन्फिडेंस है वो लगातार मजदूरों के अधिकारों के ऊपर हमला कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, सरकार ने कहा कि उनको 50 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। उसके बाद चुपके से एक साल अभी हुआ है, धीरे से जो है उसको खत्म कर दिया, और जब हल्ला मचा तो उसको बहाल कर दिया है। तो फिर चुपके से जब मौका आप मिलेगा देख इसको लीजिए कि खत्म कर जो देंगे। पीएफ है, पीएफ पे इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया है। पीएफ के पैसे को ओपन मार्केट में दे देना चाहिए। ओपन मार्केट में आप पैसा दे देंगे पीएफ का, तो उसकी हजारों करोड़ गारंटी रुपया कौन लेकर के इस देश के जो बेईमान हैं, जो अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं और वो बिजनेस को भी बदनाम करने वाले लोग हैं, वो पैसा लेकर के चंपत हो जाते हैं, उसकी गारंटी कौन लेगा? और वो किसका पैसा है? वो पैसा जो एसबीआई के खाता धारक है उनका पैसा है। और आप जब हजारों करोड़ लेकर के कोई चोर भाग जाता है तो आप जो है अपने कस्टमर से उसको वसूलना वसूलना कि शुरू एटीएम कर से देंगे। 3 बार पैसा निकालिएगा तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, 5 बार निकालिएगा तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, बैलेंस चेक कीजिएगा तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। कल को ये भी कह सकते हैं कि बैंक के सामने से गुजरिएगा तो जो है आपको मुंह दिखाई का चार्ज लगेगा, क्योंकि आपका चेहरा जो हमारे सीसीटीवी कैमरे में आ गया है। ये आज जो पब्लिक पब्लिक 1 मई है, मजदूरों के संबंध में एक बात मैं आप सबसे पूछना भी चाहता हूँ और अपनी मन की बातें साझा भी करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, क्या हमारे देश में इस बात की कमी नहीं महसूस की गई है कि हमारा जो पहचान है उस पहचान को लेकर के हम सजग नहीं है, हम सचेतन नहीं है? आप देख लीजिए कि मजदूर साथ में काम करते हैं एक ही मशीन पे, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो अपना टिफिन लेकर के अलग अलग ग्रुपों में बंट जाते हैं जात और धर्म के नाम पे। फैक्ट्री में एक साथ काम करते हैं लेकिन बाहर निकल करके अलग अलग मंदिरों और मस्जिदों में चले जाते हैं। ये जो हमारी सामाजिक पहचान है, इस सामाजिक पहचान को किस तरीके से इस्तेमाल करके जो हमारी एकता थी उस एकता को बनने नहीं दिया गया, जो एकता बननी चाहिए थी उसको स्थापित नहीं होने दिया गया। नतीजा क्या हुआ है कि समाज में जो आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन आए हैं, वो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन एक नए तरह की चुनौतियां मजदूरों के सामने खड़ा कर दिया है। उस संबंध में मैं कुछ 3-4 बातें बोल करके आप तब सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा मानना है कि आज के दौर में शोषण खत्म नहीं हुआ है, लेकिन शोषण के तरीके बदल गए हैं। जो शोषित हैं उनको हर तरह की आजादी नहीं मिल गई है, लेकिन उन शोषितों को पहचान करने का उनका जो पूरा का पूरा सामाजिक व्यवहार है उसमें एक बदलाव आ गया है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद समाज में, खास करके यूरोपियन समाज में, उस दो क्लास को बहुत आसानी से ढूंढा जा सकता था, मालिक और मजदूर। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां पे एक मल्टी लेयर सोसाइटी है, जहां पे कास्ट की एक हिस्ट्री है, जहां पे एक डाइवर्स सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वहां पे यह वर्गीकरण इतना आसान नहीं था, यह क्लासिफिकेशन इतना आसान नहीं था। और खास करके जब हम लोग पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इंटर किए हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो मशीनें थी, वो मशीनें पहले जो है कोयले से चलती थी, स्टीम से चलती थी, बाद में पेट्रोलियम का इस्तेमाल होने लगा। पोस्ट इंडस्ट्रियल हम इस सेंस में कह रहे हैं कि आज जो हमारे उत्पादन के साधन हैं, जो जो प्रोडक्शन हमारा सिस्टम है, जो हमारा प्रोडक्शन चेन है, उसमें
इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन होने के बाद कम्युनिकेशन का और इंफॉर्मेशन का एक बड़ा रोल जो है वो पैदा हो गया है। आज मजदूर दिवस के मौके पे सुबह में जब मैं जगा तो फिर से जो है ये पुरानी किताब जो मुझे जब भी कोई कमी महसूस होती है, शायद मेरे स्क्रीन पे दिख रहा हो, तो मैं इसको पढ़ रहा था और मेरे मन में ये बात बार बार आ रही थी कि आज अगर मार्क्स हमारे बीच होते तो कैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन बदल गया है, इस पे उनकी बातें, उनकी लिखी हुई चीजें हमारे बीच में जरूर आती कि अगर मशीन से उत्पादन हो रहा है, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मशीन है, मुख्य रूप से उसका आधार मशीन है, और अभी जब मोड ऑफ प्रोडक्शन में एक बड़ा बदलाव आया है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा आधार बन चुका है उसका, तो स्वाभाविक रूप से जो रिलेशन है वो रिलेशन में भी परिवर्तन आएगा। अगर मैं इसको आसान भाषा में बोलने की कोशिश करूं कि इंडस्ट्रियल टाइम में मजदूर जब हम बोलते थे तो हमारे दिमाग में कैसा चित्र बनता था कि मोटा मोटा खद्दर पहना हुआ, मोटे मोटा कपड़ा पहना हुआ, जिसके चेहरे पे और हाथ में मोबिल लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ है, उसकी छवि दिमाग में आती थी। लेकिन आज खास करके 90 के बाद अगर हम देखेंगे मजदूर बोलते हैं, तो मजदूर बोलने में सिर्फ वही शामिल नहीं है जिनके शरीर के ऊपर मोबिल और ग्रीस लगा हुआ है, वो लोग भी शामिल हैं जो टाई लगाए हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं और किसी ऑफ एसी वाले दफ्तर में बैठ करके लैपटॉप पे काम करते हैं। कुल मिलाकर के मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब शोषण नहीं बदला है, लेकिन शोषण के तरीके बदल गए हैं। मजदूर के बाहरी स्वरूप में भी एक बड़ा परिवर्तन आ गया है, क्योंकि उत्पादन के जो नए साधन पैदा हुए हैं उसमें ये हुआ है कि लगातार प्रोडक्शन सिस्टम का डिसइंटीग्रेशन हुआ है। डिसइंटीग्रेशन कहने का मतलब ये है कि कन्वेयर बेल्ट में शुरू से लेकर के लास्ट तक एक प्रोडक्ट जो है पहले की फैक्ट्रियों में तैयार हो जाते थे, आज ऐसा संभव नहीं है। आज एक सामान का, एक प्रोडक्ट का अलग-अलग हिस्सा अलग-अलग जगह पे तैयार होता है, फिर उसकी असेंबलिंग होती है और फिर उसकी ब्रांडिंग होती है। कहने का मतलब यह है कि शायद बाटा जो है आज चप्पल या जूता नहीं बना रहा हो, लेकिन बाटा एक ब्रांड है, उसकी ब्रांडिंग होती है, और जहां बाटा का चप्पल और जूता बन रहा हो वहां और कई कंपनियों का भी जूता और चप्पल बनता है, बाद में उसकी कोच का जो है उसका असेंबलिंग हो करके उस पर ब्रांडिंग होती है। तो जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट कर गया है। पहले के फैक्ट्रियों में बहुत आसानी से आप 5,000 10,000 मजदूरों का एक कंसंट्रेशन ढूंढ सकते थे, लेकिन आज जो है जब आप किसी भी इंडस्ट्रियल हब में जाएं तो जो जो वर्क प्लेस है उसको अगर आप देखेंगे तो वो वर्कशॉप की तरह काम करते हैं। पूरा का पूरा प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो आज वर्कशॉप्स में हो रहे हैं, वो बड़ी फैक्ट्रियों में नहीं हो रहे हैं, या बड़ी फैक्ट्रियों में भी जहां बड़ी फैक्ट्रियां हैं ऑटोमाइजेशन के चलते, एआई के चलते आज जो फिजिकल लेबर है वो लगातार कम होता जा रहा है, बड़े पैमाने पे ऑटोमाइजेशन हो रहे हैं और मशीन से प्रोडक्शन हो रहा है। इसीलिए यूरोप के कई देशों में ये बहस शुरू हो गया है कि हम लोग जीरो मार्जिनल कॉस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब मशीन आज ऑटोमेटिक तरीके से जो सामान प्रोड्यूस कर रहा है उसमें लेबर के हिस्से को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रही है, और जब ये नया तरह का प्रोडक्शन सिस्टम पैदा हुआ है तो नए तरह के प्रोडक्शन रिलेशन भी पैदा हुए हैं, और जब नए तरह के प्रोडक्शन रिलेशन पैदा हुए हैं तो हमारे सामने नए तरह की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी पैदा हुई हैं। इस हिस्से पे हम बाद में बात करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है तो फैक्ट्रियों में मजदूर नहीं है, एक तरफ फैक्ट्रियों में मजदूर नहीं है, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट नहीं है। ये बड़ा मजेदार है, फैक्ट्री में मजदूर नहीं है, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से ज्यादा विद्यार्थी आज आपको प्राइवेट कोचिंग संस्थान में देखने को मिलेंगे। आप इस दौरान जो 3-4 छात्र आंदोलन हुए हैं उसमें एक चीज नोटिस किए होंगे कि ये अलग अलग कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। एसएससी में होने वाले धांधली के खिलाफ जो आंदोलन विद्यार्थियों का हुआ वो आंदोलन कोचिंग से शुरू हुआ, क्योंकि कोचिंग के एक बैच में, मैं अगर पटना की बात करूं, बाकी जगहों पे भी लगभग यही हालत है, एक बैच में 1,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं एक बैच में, और दिन भर में 10 बैच चलते होंगे। कई ऐसे टीचर हैं अकेले इंडिविजुअल जो एक संस्थान के बराबर हो गए हैं,
मतलब एक समय में उनके पास 10,000 12,000 स्टूडेंट होते हैं, एक बैच में 1,000 स्टूडेंट होते हैं। तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट नहीं है, अगर यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट गायब हो जाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन में जाएं, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन में जाएं, या जिस तरीके से सरकारी व्यवस्था को, पब्लिक सेक्टर को लगातार डिलिबरेटली खत्म किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से पढ़ने लिखने के लोग दूसरी जगह पे जाएंगे। तो आपको स्टूडेंट का कंसंट्रेशन यूनिवर्सिटी से बाहर देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरीके से आप जब मजदूर पे ये मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं, तो हमको ये देखने को मिलता है कि मजदूरों का कंसंट्रेशन फैक्ट्री से बाहर आपको देखने को मिलेगा। आज ज्यादा मजदूर जो है वो प्रोडक्शन से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि वो सर्विस से जुड़े हुए हैं। ज्यादा मजदूर जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, बल्कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। इसीलिए आप देखेंगे यह सरकार ना चाहती है, ना सरकार का इसको करने से कोई फायदा नजर आता है। इस देश में मजदूरों का कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है। बेरोजगारी का डेटा निकल रहा था, सरकार ने बेरोजगारी का डेटा भी देने से मना कर दिया। जब माइग्रेंट लेबर का क्राइसिस हुआ था पिछले साल कोविड में, तो किसी भी सरकार के पास यह आंकड़ा नहीं था, जैसे बिहार सरकार के पास यह आंकड़ा नहीं था कि उसके कितने मजदूर, कितने नागरिक उसके राज्य से बाहर काम करने के लिए गए हैं, या किसी राज्य सरकार के पास ये आंकड़ा नहीं था कि उसके राज्य में कितने माइग्रेंट लेबर आकर के रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। जब आपके पास डेटा ही नहीं होगा, आप मुझे बताइए कि घर में कितने लोग हैं, अगर इसकी जानकारी नहीं होगी तो आप खाना कैसे बनाएंगे। घर में अगर 10 लोग हैं और आपने 2 लोगों के लिए खाना बना दिया, घर में अगर 2 लोग हैं आपने 10 लोगों का खाना बना दिया, तो रिसोर्स की बर्बादी होगी। और ये जो पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट है, जो लैक ऑफ प्लानिंग देखने को मिलती है, उसका कारण ये है कि सरकार की प्रायोरिटी में इस देश के गरीब, किसान, मजदूर और जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं वो उनकी प्रायोरिटी में शामिल ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि मौजूदा सरकार के लिए, मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए दोस्त ही देश है। उनको लगता है कि उनके जो दोस्त हैं वही देश हैं, उनकी सेवा करना ही देश की सेवा है। और देश के जो संस्थान हैं, देश की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, औने पौने दाम में वो उनके हाथ में सौंप देना चाहते हैं। तो आज मजदूर आंदोलन के सामने 3 तरह की प्रमुख चुनौतियां हैं। पहला ये कि हम मजदूर हैं, ये कॉन्शियसनेस हमारे भीतर कैसे आएगा। मैं विद्यार्थी था तो मैं बार बार यह बात कहता था कि मैं होने वाला मजदूर हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी से निकल करके कहीं ना कहीं जा करके अपना श्रम बेचना है, अपना लेबर बेचना है, बदले में मुझे तनख्वाह मिलेगी, उससे हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, अपना गुजारा करेंगे। लेकिन ये कॉन्शियसनेस कि हम मजदूर हैं, हो सकता है कि हम टाई लगाए हों, हमारे सामने में लैपटॉप हो, हमारे दफ्तर में एसी हो, कॉफी पीने के लिए कॉफी मशीन लगी हुई हो, आने जाने के लिए जो है कैब लगा हुआ हो, लेकिन हम मजदूर हैं, क्योंकि हमारा जो पैकेज होता है उसमें जितना हमको मिल रहा है उससे कई गुना ज्यादा जो है हमारी कंपनी उससे प्रॉफिट कमा रही है। दूसरा कि मजदूर का कॉन्शियसनेस होना एक, और दूसरा ये कि संगठित कैसे करेंगे, क्योंकि जब प्रोडक्शन सिस्टम का इतना ज्यादा डिसइंटीग्रेशन हुआ है, तो जब मजदूर फैक्ट्रियों में नहीं है, अब एक शिफ्ट में जो है 2,000 लोग फैक्ट्री में काम नहीं करते हैं, तो उनको संगठित कैसे करेंगे, संगठन का स्वभाव क्या होगा, संगठन का स्ट्रक्चर क्या होगा, संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जिनको हम लोग होल टाइमर कहते हैं, पूरा वक्ति कार्यकर्ता कहते हैं, वो कैसे जाकर के मजदूरों के बीच में संगठन का काम करेंगे, और संगठन के उद्देश्य को और एम को, एम और ऑब्जेक्टिव को कैसे मजदूरों के सामने रखेंगे, उनको कैसे कन्विंस करेंगे। और तीसरी चुनौती है कि मजदूर किसी भी समाज का, किसी भी देश का रीढ़ होते हैं। तो आज जिस तरीके की परिस्थिति देश में है, चाहे वो नफरत के आधार पर, धार्मिक नफरत के आधार पर समाज में ध्रुवीकरण का सवाल हो, जाति के आधार पर एक जाति का दूसरे जाति के ऊपर शोषण का सवाल हो, लिंग के आधार पर एक लिंग का दूसरे लिंग पे शोषण का कारण हो, इन तमाम परिस्थितियों से मजदूर आंदोलन अपने आप को कैसे इंगेज करेगा, मजदूर कैसे अपने आप को इंगेज करेगा, ये 3 चुनौतियां हमारे सामने हैं। और अगर हम इन तीनों चुनौतियों पर बात करेंगे, तो कुछ एक दो सुझावों के साथ जो है मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि जो कॉन्शियसनेस का सवाल है कि हम मजदूर हैं,
उस बात को हमको कैसे रखना चाहिए, कैसे जो है आम लोगों से जा करके हमको अप्रोच करना चाहिए, या मजदूर होने का क्या मतलब होता है, उसको हमको कैसे लोगों के बीच में रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि बाबा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि इतिहास की समझ होनी बहुत जरूरी है। जो पीढ़ी अपने इतिहास को महत्व नहीं देती है, इतिहास उसको भुला देता है। तो आज 1 मई है, ये मैं बधाई देता हूँ आपके, आप सभी ऑर्गेनाइजर को, आपने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया कोरोना की परिस्थिति में भी। तो सबसे पहले हमको खुद को ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और हमको प्राउडली जो है इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फर्ज कीजिए कोविड के पूरे इस दौर में जो मजदूर हैं उनके साथ एज ए विक्टिम पीड़ित के तौर पे क्या हुआ है, ये एक जगह है। लेकिन जहां उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है एज ए वॉरियर, उसकी चर्चा बहुत कम हुई है। तो हमको इन चीजों को उजागर करना पड़ेगा, हमको अपने आसपास के जो लोग हैं और खुद जो हमारी पहचान है उसको प्राउडली एक्सेप्ट करना, उस और जो हमारे जैसे लोग हैं, हमारी आइडेंटिटी के लोग हैं, जो हमारे क्लास के लोग हैं, हमारे ग्रुप, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको रेस्पेक्ट देना, उनको जो है पब्लिक के बीच में रेस्पेक्ट देना। आप देखिए कि कोरोना महामारी का ये दौर है, मजदूरों की कितनी बड़ी भूमिका है। लोग कहते हैं आवश्यक वस्तुएं एसेंशियल सर्विसेज बंद नहीं होना चाहिए। कौन चलाता है एसेंशियल सर्विसेज इस देश में? अगर किसी मरीज को ले जाने का सवाल हो तो ड्राइवर कौन है, एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर कौन है? अस्पताल की अगर आप बात करें तो अस्पताल में साफ सफाई कौन कर रहा है? आप अगर एसेंशियल सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के कौन आ रहा है, ऑक्सीजन की फैक्ट्रियों में कौन काम कर रहा है? आप ये देखें कि जो आप सब लोग लॉकडाउन देखे हैं, कई शहरों में अभी भी लॉकडाउन है, हर सुबह उठ करके क्या आपका जो है दरवाजा कोई रिंग करता है कि नहीं करता है, कोई खटखटाता है कि नहीं खटखटाता है कि दे दीजिए कूड़ा दे दीजिए? कौन ये साफ सफाई की जिम्मेवारी लिए हुए है? आपके यहाँ जो बिजली आ रही है वो बिजली का सिस्टम कैसे चल रहा है? आपके यहाँ जो पानी आ रही है वो पानी का सिस्टम कैसे चल रहा है? इतनी बड़ी भूमिका है मजदूर वर्ग की इस पेंडेमिक के दौरान भी, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी बिल्कुल चर्चा नहीं होती है। अच्छी बात है कि हम डॉक्टर और नर्स के ऊपर फूल बरसाए, इसका स्वागत होना चाहिए। अच्छी बात है कि पुलिस और फौज के लोग जो काम कर रहे हैं उसको हम रेस्पेक्ट करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मजदूर एज ए लेबर, एज ए वर्कर, जो समाज में हमारा कंट्रीब्यूशन है उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, ये एक चीज जिसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। जब तक हम खुद प्राउडली इस बात को नहीं बोलेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वाभाविक रूप से समाज के जो दूसरे तबके हैं वो हमारे ऊपर अटेंशन नहीं देंगे, अटेंशन नहीं देंगे, वो हमारी चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और वो हमारे सवाल को सीरियसली नहीं लेंगे। आप देख लीजिए इस देश में हुआ है, एक किसान जो सबके लिए अनाज पैदा करता है वो अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है, और किसी के पिताजी माताजी अगर किसान हो तो पब्लिकली वो इस बात को प्राउडली एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं फार्मर का बच्चा हूं। ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा की गई है? ये जो नव उदारवाद का दिवा स्वप्न है, इस नव उदारवाद के दिवा स्वप्न ने हमको अपनी बुनियादी चीजों से काट दिया है। ठीक है हम हवाई जहाज पे उड़ रहे हैं, लेकिन उस हवाई जहाज को उड़ाने वाले पायलट को भी खाने की जरूरत है, उसके जो बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं उनको भी खाना चाहिए, जो इकोनॉमी में बैठे हैं उनको भी खाना चाहिए, वो जो एयर होस्टेस है उसको भी खाना चाहिए, वो जो ग्राउंड स्टाफ है उसको भी खाना चाहिए। तो किसान जो है एज ए प्रोफेशन, एज ए क्लास, उसको क्रिमिनलाइज कैसे किया जा सकता है? यही बात मजदूरों के ऊपर लागू होती है कि अगर मजदूर आप जब जाते हैं ट्रेन में तो उससे पहले ट्रेन को कोई साफ करता है, आपकी ट्रेन जब पटरी पे दौड़ती है तो कई किलोमीटर पैदल चढ़ करके हाथ में हथौरा लेकर के उस पटरी के नट बोल्ट को कोई ठीक करता हुआ पैदल जाता है, जिस पटरी पे आप ट्रेन से जाते हैं उस पे कोई पैदल चल करके उसके नट बोल्ट को ठीक करता है। तो ये जो रिकॉग्निशन है, इस रिकॉग्निशन को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और इस रिकॉग्निशन के प्रोसेस में हमको बड़े से बड़े हिस्से को शामिल करना चाहिए। सिर्फ संगठित क्षेत्र के मजदूर ही मजदूर नहीं है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर भी मजदूर हैं।
सिर्फ एक तरह के लोग, सिर्फ चश्मा लगाने या टाई लगाने वाला व्यक्ति ही मजदूर नहीं है, जिसके शरीर में ग्रीस और मोबिल लगा हुआ है, जो जो सीवर में उतरता है, जो गटर में उतर करके सफाई करता है, वो भी मजदूर है। इसका रिकॉग्निशन हमको होना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो यह सरकार पूरी तरह से बिकी हुई है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ। पिछले साल लॉकडाउन के चलते बड़े पैमाने पर मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन सरकार ने इस बात को बिल्कुल अटेंशन नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि जब चुनाव होंगे तो यही मजदूर जो हैं वो मजदूर के नाम पर नहीं बल्कि जाति और धर्म के नाम पर वोट करेंगे। ये जो उनका कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस के चलते वो लगातार मजदूरों के अधिकारों के ऊपर हमला कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, सरकार ने कहा कि उनको 50 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। उसके बाद चुपके से एक साल अभी हुआ है, धीरे से जो है उसको खत्म कर दिया, और जब हल्ला मचा तो उसको बहाल कर दिया है, तो फिर चुपके से जब मौका मिलेगा उसको खत्म कर देगा। आप देख लीजिए कि जो पीएफ है, पीएफ पे इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया है। पीएफ के पैसे को ओपन मार्केट में दे देना चाहिए। ओपन मार्केट में आप पैसा दे देंगे पीएफ का, उसकी गारंटी कौन लेगा? हजारों करोड़ रुपया लेकर के इस देश के जो बेईमान हैं, जो अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं और वो बिजनेस को भी बदनाम करने वाले लोग हैं, वो पैसा लेकर के चंपत हो जाते हैं, उसकी गारंटी कौन लेगा? और वो किसका पैसा है? वो पैसा जो एसबीआई के खाता धारक हैं उनका पैसा है। और आप जब हजारों करोड़ लेकर के कोई चोर भाग जाता है तो आप जो है अपने कस्टमर से उसको वसूलना शुरू कर देते हैं कि एटीएम से 3 बार पैसा निकालिएगा तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, 5 बार निकालिएगा तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, बैलेंस चेक कीजिएगा तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। कल को यह भी कह सकते हैं कि बैंक के सामने से गुजरिएगा तो जो है आपको मुंह दिखाई का चार्ज लगेगा, क्योंकि आपका चेहरा जो हमारे सीसीटीवी कैमरे में आ गया है। ये जो पब्लिक मनी की लूट है, तो आप सरकार किस तरफ टिल्टेड है उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। सरकार मजदूर की तरफ टिल्टेड नहीं है, मजदूरों का श्रम चोरी करने वाले जो लोग हैं उसकी तरफ उनका झुकाव है, उसकी तरफ वो झुके हुए हैं, उसके साथ वो मिले हुए हैं। तो मजदूरों का, मजदूरों के प्रति, और खुद हम मजदूर हैं, ये कॉन्शियसनेस होना बहुत जरूरी है। उसमें उसके रिकॉग्निशन के प्रोसेस में सबसे पहले हमको ही मजदूरों के काम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनको उसको लोगों के बीच में लेकर के जाना, उसको जो है पब्लिश करना और रेस्पेक्ट करना, पब्लिकली उसको रेस्पेक्ट करना, ये एक पहली चीज है। दूसरी चीज जो मैं कह रहा था कि कैसे संगठित करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से जहां मजदूर होगा उसका संगठन भी वहीं पे तैयार होगा। और मेरा ये मानना है कि आज के समय में मजदूर आंदोलन में के सवालों में एक सवाल ये भी प्रमुखता से शामिल होना चाहिए कि हम मजदूर जब बन जाते हैं तो हमारा पीएफ और हमारा पेंशन और काम का घंटा और हमारी तमाम तरीके के जो लेबर राइट्स है उस पर लड़ाई होती है, लेकिन जो होने वाले मजदूर हैं, जो युवा हैं, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जो कोचिंग संस्थानों में कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसके साथ मजदूर आंदोलन को हम कैसे जोड़ सकते हैं, और उसमें जो काम करने का हमारा तरीका है, तो हमारा ये मानना है कि अगर हम उस तबके को जो अभी नौकरी में नहीं गया है, बेरोजगारी से जूझ रहा है या नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसको अगर अपने साथ हम जोड़ लें तो नए तरह के परिस्थितियों में, नए तरह के वर्कर्स के बीच में संगठन करना और संगठन बनाना हमको आसान होगा। और तीसरा जो मैं बार बार कह रहा था कि मजदूर आंदोलन के सामने आज जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पे जो मजदूर का बार्गेनिंग पावर था, इसको समझना बहुत जरूरी है। मजदूर जब कोई हड़ताल करता था तो सरकार उससे घबराती थी, आज के डेट में मजदूरों का जो बार्गेनिंग पावर है वो बार्गेनिंग पावर कम हो गया है। बार्गेनिंग पावर कम क्यों हो गया है कि देश में चलने वाले जो अन्य सामाजिक आंदोलन है, जो जन आंदोलन है, उसमें मजदूर आंदोलन की दखल कम हो गई है। उस दखल को अगर हमको, जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं, तब तक मजदूर आंदोलन की अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हमारा ये फर्म बिलीव है कि आज के डेट में सभी तरह के जन आंदोलनों को एक दूसरे से जोड़ने की जरूरत है। जब तक जन आंदोलन एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, तब तक जो है कोई भी तबके का, कोई भी क्लास का जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ेगा नहीं। उस बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए जरूरी है
मजदूरों का सवाल विद्यार्थियों का सवाल है, विद्यार्थियों का सवाल मजदूरों का सवाल है, मजदूरों और विद्यार्थियों का सवाल किसानों का सवाल है, किसानों का सवाल मजदूरों और विद्यार्थियों का सवाल है, आदिवासियों का सवाल, दलितों का सवाल, महिलाओं का सवाल, अल्पसंख्यकों का सवाल, या किसी भी आम नागरिक के बुनियादी नागरिकता से संबंधित अधिकार के अगर की अगर हम बात करें तो इनको हमको आपस में एक साथ जोड़ने की जरूरत है। इसीलिए जब आज हम 1 मई के मौके पे मजदूर दिवस को याद कर रहे हैं तो हमने कोविड पे भी चर्चा की, लेकिन आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पे मजदूर आंदोलन को मुखरता से अपनी बात रखनी चाहिए, वो रखते भी हैं। अभी पिछले दिनों कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसका सरकार के ऊपर एक दबाव हुआ है, चाहे वो बैंक कर्मियों की हड़ताल हो या फिर आयुध कारखानों में जो मजदूर काम करते हैं उनके हड़ताल का सवाल हो, पीएफ पे जब इंटरेस्ट कम किया गया तो जो डेलीगेशन मिला है सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से उसका सवाल हो, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, इसके दायरे को बड़ा करने की जरूरत है, और इसके दायरे को जब हम बड़ा करते हैं तो आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस देश में किसी भी जन आंदोलन को हम नागरिक अधिकारों के को सेंटर में रख करके और जो एक बतौर नागरिक के तौर पे जो हमको देश की बेहतरी के लिए और देश के सामने जो राजनीतिक चुनौती है, धार्मिक आधार पे जो समाज का पोलराइजेशन है, जो ध्रुवीकरण है उसको अगर हम तोड़ना चाहते हैं, जातीय आधार पे जो समाज का पोलराइजेशन है अगर उसको हम ब्रेक करना चाहते हैं, और बतौर नागरिक भारतीय होने के चलते इस एहसास के साथ कि उत्तर का रहने वाला व्यक्ति या दक्षिण का रहने वाला व्यक्ति, पूर्व का रहने वाला व्यक्ति या पश्चिम का रहने वाला व्यक्ति, जान किसी की भी जा रही हो, चाहे वो जान महाराष्ट्र में किसी की गई हो या बिहार में गई हो, दिल्ली में गई हो या त्रिवेंद्रम में गया हो, यह सब देश के आम नागरिकों की जान है। इसको बचाना, इसको सुरक्षित रखना, देश के जो संसाधन हैं, चाहे वो BSNL हो, रेलवे हो, देश की यूनिवर्सिटीज हो, एम्स हो, IIT हो, IIM हो, उनको जोड़ करके रखना, उनको और विकसित करना, देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है किसान और मजदूर, उनके सवालों को प्रमुखता से समझना, उनको लेकर के मुखरता से बोलना, ये आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है।